हेलो, माय नेम इज हरप्रीत। आई एम रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। आई डू प्रैक्टिस हेयर इन मिसिसागा ओंटारियो। आज जो टॉपिक है, ये टॉपिक हैगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बारे बारे जो जिड़े कि जिन्होंने अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बना ली हुई है, तो लो CRS स्कोर है 370 380 ये आस पास आ रहा है। पाथवे वेख रहे हैं कैनेडा PR के, उन्होंने बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन हैगी प्रिंस एडवर्ड आईलैंड की। एक बढ़िया PNP ऑप्शंस है जेडे की मूव करने का सोच रहे ने, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड जाके अपनी PNP लगा सकते हैं। की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ने, तीन मेन स्ट्रीम्स ने जिन्हें तुसी क्वालिफाई करके अपनी PR ले सकते हैं। उन्होंने तीन ही स्ट्रीम के बारे में इन डिटेल इस वीडियो से गल करा। सारों पहला आप देख लेने वो हैगी स्ट्रीम जी हैगी क्रिटिकल वर्कर स्ट्रीम प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की। एक बढ़िया स्ट्रीम है थोड़ा PNP लगाने के लिए, जिसे तुसी PR ले सकते हो। इन डिटेल की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ने, सारों पहली जी रिक्वायरमेंट्स उत्थे ये वावे थोड़े को फुल टाइम जॉब ऑफर होवे स्किल लेवल सी या डी दी। तुसी 6 महीने काम करना है PI दे इंप्लायर दे नाल, वैलिड वर्क परमिट ते हो, ते मिनिमम सेकेंडरी स्कूल की एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, ते एज जी है 18 to 59 दी है। इस तो अलावा जी रिक्वायरमेंट है इतना भी थोड़े को 2 साल का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस हो, रेलिवेंट जॉब का जो थोड़े को रेलिवेंट एजुकेशन हो, इन्हों चो एक भी एक एलिजिबिलिटी मीट करके तुसी अपनी जी है इस स्ट्रीम लिए क्वालीफाई कर जाने हो। CLV 4 की रिक्वायरमेंट है, जेन्युइन इंटेंट होनी चाहिए है नोवा स्कोशिया सैटल होने की। नेक्स्ट जो पाथवे हैगा है वो हैगा स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम का, ये थोड़े को जॉब ऑफर होनी चाहिए NOC 0 ए या बी की, प्लस तुसी जेड़ा है 2 साल का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस हो पिछले 5 सालों के, ये होना जरूरी है। इस तो अलावा CLV 4 ते सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट एज सेम 18 to 59 की है। जे मैं मेन डिफरेंस की गल करा स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम ते क्रिटिकल वर्कर स्ट्रीम के, दो मेन डिफरेंस है इन्होंने। जे तुसी क्रिटिकल वर्कर स्ट्रीम के अपनी फाइल लगा रहे हो तो तुहानू जॉब ऑफर चाहिए है नोक लैवल सी ते डी दी, ते प्लस तुसी 6 महीने काम किया होना जरूरी है। उस तो अलावा क्रिटिकल वर्कर टीम दे विच तुसी अपनी जिहड़ी है रेलेवेंट एजुकेशन नाल जिहड़ी है रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हो जे तुहाडे कोले जॉब एक्सपीरियंस नहीं है। पर ये स्किल्ड वर्कर टीम दे विच तुहानू जॉब एक्सपीरियंस मस्ट है 2 सालों का, ये तुसी एजुकेशन नाल मीट नहीं कर सकते। प्लस तुहाडे कोले जॉब ऑफर जिहड़ी है वो स्किल लैवल दी होनी चाहिए है, स्किल लैवल जिहड़ा कि 0 A या B। हुण आपां तीजी स्ट्रीम की गल कर लैने, ये हैगी है एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम PIA एक्सप्रेस एंट्री। इहदे लई तुहाडे कोले एक्सप्रेस एंट्री दे विच तुहाडी प्रोफाइल बनी होनी चाहीदी है, तुसी एलिजिबिलिटी मीट करदे होने चाहीदे फैडरल स्किल वर्कर दी, फैडरल स्किल ट्रेड जां कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, इन्हां तिन्हां चों इक दी एलिजिबिलिटी दी तुसी रिक्वायरमेंट नूं मीट करदे होने चाहीदे। प्लस तुहाडी प्रोफाइल जिहड़ी है एक्टिव होनी चाहीदी IRCC दी एक्सप्रेस एंट्री दे विच। हुण तीजी जिहड़ी मेन रिक्वायरमेंट इतने ये गा कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होल्डर जिन्होंने PI तो स्टडी नहीं की है और किसी भी प्रोविंस तो स्टडी की है, उन्होंने 9 मंथ जिहड़ा है काम करना पैंदा है PI दे इंप्लायर ना, तां एलिजिबल होंगे ये विच फाइल लगाने के लिए। प्लस वो वाले कैंडीडेट जिहड़े स्पाउजल ओपन वर्क परमिट ते ने, वो भी ये एलिजिबल हो जाते हैं, पर उन्होंने भी 9 मंथ जिहड़ा है काम करना पैंदा है PI दे इंप्लायर दे नाल। इस तो अलावा थोड़ा जिहड़ा वैलिडिटी है वर्क परमिट की, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की, घट्टो घट 4 महीने तो वध होवे तां तुसी इहदे विच एलिजिबल हो सकते हो। सो इस तो अलावा ये भी चीज़ वेखते ने कि तुहाडे कोले जॉब ऑफर है या नहीं है, वो तुहानू अलग तो पॉइंट मिलते हैं। वो प्रायोरिटी जिहड़ी दित्ती जाती ने वो एप्लीकेंट्स नूं जिहड़े कि करंटली PI दे विच काम कर रहे ते रह रहे हैं। सो ये सी मेरे डिटेल एनालिसिस तीन स्ट्रीम्स के बारे PI की। नंबर वन क्रिटिकल वर्कर स्ट्रीम, स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम ते PI एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम। तिन्ने ही स्ट्रीम के विच तुसी क्वालीफाई करके जिहड़ा है अपनी PNP लगा सकते हो ते इवेंचुअली अपनी कैनेडा की PR लै सकते हो। ज़्यादा जानकारी लेने लिए किवें तुसी इन्हां स्ट्रीम के विच क्वालीफाई कर सकते हो जां तुहाडे कोल डाउट्स ने इस स्ट्रीम के बारे, तुसी मेरे नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हो जां कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। थैंक यू।